समागम का वास्तविक सुख क्या है और कब होता है, इसकी बात महाकवि भर्तृहरि करते हैं। एतत् काम फलम लोके यद्वयोर एक चित्तता, एतत् काम फलम लोके यद्वयोर एक चित्तता, अन्य चित्त कृते कामे शवयो रिव संगम। भाई काम का वास्तविक फल तो तभी है जब दोनों एक चित्त हो जाए। ऐसा नहीं कि दोनों लगे तो पड़े हैं लेकिन एक आनंद में है और दूसरा पता नहीं कहां किस दुनिया में विचरण कर रहा है, क्या विचार कर रहा है। अगर दोनों का चित्त अन्योन्य नहीं है, एक दूसरे से मिला नहीं है, अगर एक का चित्त कहीं दूसरी जगह पे है तो सवयोरिव संगमः, तो जैसे किसी मुर्दे के साथ ये समागम किया जा रहा हो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सगा समागम के लिए ये आवश्यक है कि दोनों का मन एक चित्त हो, दोनों के मन में एक जैसी भावनाएं हो, दोनों के मन में एक जैसा आनंद हो, तभी इसका वास्तविक सुख प्राप्त होता है। हिंदी की कविता देखते हैं। सुरते चा समादौ चा मनो यत्र न लीयते, ध्याने नापि हि किम तेन सुरतेन वा। कभी बड़ा अच्छा लिखते हैं कि चाहे सुरत हो यानी रति क्रीड़ा हो या समाधि हो, दोनों में ही मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। अगर मन एकाग्र नहीं है तो ध्याने नापि हि किम तेन, तो उसके ध्यान करने से भी क्या फायदा, किम तेन सुरतेन वा, और उसकी सुरति से भी क्या फायदा। तो बिना मन के बिना एकाग्र के सुरत भी बेकार है और ध्यान भी बेकार है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए।